डिपार्टमेंट जिसकी पजीशन होती है वो होते हैं जो सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट जिसके जमीन खरीद करना होता है वो होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें होता है, और जो मंत्री होते हैं मिनिस्टर्स जिनकी टीम बनी हुई है जो हाई पावर परचेज कमेटी वो सब होते हैं। तो हर प्रकार की नेगोशिएशन की जाती है और जिस भी मेंबर के ध्यान में जो बात आती है उस हिसाब से सामने वाले मेंटर से पूछते हैं। बहुत बार तो अनाप शनाप जो रेट होते हैं उसका कंपैरिजन किया जाता है, आसपास की स्टेट्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है, पिछली परचेज हमारी जो हुई है उसका भी कंपैरिजन होता है, अगर प्राइस एस्केलेशन है उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसी सब बातों पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये खरीद होती है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान उस सरकार को ना हो। आखिर ये पब्लिक का एक चक्कर है, इसको बचाना, इसका एक ही का पैसे का हिसाब रखना, ये हमारा काम है। और एक जानकारी आपको और भी बता रहा हूँ कि अब फूड एंड सप्लाई का जो ये विभाग है, ये डायरेक्टरेट है, इसको हमने सीधा सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कर दिया है, क्योंकि मुख्य रोल इसमें फाइनेंस का ही ज़्यादा होता है, पैसे की बचत करना, पैसा खर्च करना, सीधा सीधा इसका असर जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ता है। तो इसलिए इसका जो सारा डिपार्टमेंट का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही होगा।